टाइटल और थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि ये जो वीडियो है ये टोटल है वैली ऑफ फ्लावर्स और ए हेमकुंड साहिब ट्रिक की। तो बहुत सारी हमने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी और बहुत सारी जो है वो ट्रैवल कंपनी में बात करी कि क्या बजट है, कैसे जा सकते हैं। बाकी फिर हमने ये फैसला किया टोटल कि अब हम ये ट्रिप जो है वो सोलो करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है वो ये ट्रिक एज अ सोलो कैसे कवर कर सकते हैं। तो अब जाके बस मिली और बस पर बैठे हुए हैं। तो भैया हम निकल चुके हैं अपने शहर से इस सफ़र के लिए और ये मेरी पहली वीडियो होगी जो वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए है, पर डे की वीडियो। बाकी एक कंप्लीट वीडियो भी हम बना देंगे। बट एक प्रॉब्लम हमने कर दी पहले ही कि हमने देहरादून से बस ले ली, क्योंकि अब हमें कर्ण प्रयाग स्टे करना पड़ेगा क्योंकि मौसम शायद थोड़ा सा ख़राब हो रहा था इसलिए। बाकी जो है वो देहरादून से डायरेक्ट मिलती ही नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गई जोशीमठ की। चलो स्टे करते हैं। तो भैया 480 रुपये में मस्त एकदम सीट पे आराम से लेट कर आए, क्योंकि बगल में अभी तक फ़िलहाल कोई नहीं बैठा है। तो बाकी उल्टी के वार से हम नहीं बच पाए, वो हम नहीं कंट्रोल कर पाए, तो वो होती रही क्योंकि वो रुक ही नहीं रही थी। तो चलो ठीक है, वो भी सह लेंगे। बाकी अब यहाँ पे रुके हुए हैं ढाबे पे और थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, फिर यहाँ से बढ़ेंगे, अभी तक पहुँचे नहीं है। और मौसम तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जैसा कि देख ही सकते हो कि हर तरफ तो बादल ही बादल थे, एकदम बहुत प्यारे प्यारा मौसम था। बट अफसोस कि हम मौसम सही से देख नहीं पाए। अब चलो यहाँ से निकलते हैं कर्ण प्रयाग के लिए। सो फाइनली यार पहुँच चुके हैं कर्ण प्रयाग। अब यहाँ पे एक और टास्क पूरा करना है जो कि रहने की जगह देखना है। अब यहाँ पे रहने की जगह देखते हैं, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बस एक ही रात की बात है, फिर यहाँ से सुबह सुबह निकल जाएंगे हम जोशीमठ की तरफ। चलो यार ढूंढते हैं यहाँ पे, देखते हैं कहाँ रह सकते हैं। फाइनली छत का इंतज़ाम हो चुका है और ये है बजरंगी लॉन्ज। सस्ता, टिकाऊ और एकदम सेफ भी है। और यहीं से ही सुबह हमें चमोली या जोशीमठ के लिए ऑटो या बस मिल जाएगी और यहीं से ही हम निकल लेंगे पतली गली से। सो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पर डे की एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसमें हम अपना एज अ सोलो सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस करी और हम कहाँ कहाँ गए, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। बाकी जो है वो जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस टाइम हम मेरी जर्नी कल ही स्टार्ट हुई है, कल हम अपने घर से निकले हैं बनारस से और इस टाइम हम हैं कर्ण प्रयाग में, जो कि आप पीछे देखो बैकग्राउंड में ये गंगा बह रही है। और आपको पता ही है कि यहाँ पे दो रिवर जो हैं वो अटैच होती हैं, अलकनंदा और पिंडार है, तो यहाँ पे दो रिवर का संगम है। बाकी यहाँ पे अगर आप जो है वो स्टे करते हैं तो स्टे करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि बजट वाले भी हैं। जैसे कि हम जहाँ पे हैं वो बजरंगी लॉन्ज है और फिलहाल एक दिन के लिए स्टे के लिए मतलब एज अ सोलो ठीक है, मतलब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और बाकी यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टे करने के लिए ऑप्शन हैं, आप अगर यहाँ स्टे करना चाहते हो तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो। बिकॉज़ हम यहाँ पे स्टे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया ही है कि हम देहरादून से आए और देहरादून से डायरेक्ट जोशीमठ की हमें बस नहीं मिली है। तो जोशीमठ की जो है वो आप ऋषिकेश और हरिद्वार से डायरेक्ट पकड़ लो इसलिए। और आगे अगर हम चाहते, हम शाम तक यहाँ पहुँचे हैं और अगर हम चाहते जो है वो आगे हम ले सकते थे जोशीमठ की, लेकिन आगे शायद रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो हमने सोचा कि यहीं पे स्टे कर लेते हैं और कुछ लॉन्ग जर्नी भी हो गई है तो हमने यहीं पे स्टे कर लिया है फिलहाल। और ये बहुत प्यारी जगह है क्योंकि इसमें जो ऐसे आप मतलब आंख बंद करके जो है वो जब आप सुनोगे रिवर की आवाज़ आपको बहुत प्यारा लगेगा और यहाँ पर आपको स्टे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम निकलते हैं क्योंकि हम इतना लंबा सफ़र करके आए, हमने कुछ भी नहीं खाया है सच में यार। तो अब हम कुछ खाते हैं और आपको खाने पीने की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप आराम से खा पी सकते हो। और हाँ ये तो बताना भूल ही गया यार कि आप यहाँ कितने में स्टे कर सकते हो, यहाँ पे आपको आराम से 200, 300, 500 रुपए में आराम से आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बजट में। तो चलो ठीक है, अब कुछ खाते हैं यार, बहुत तेज़ भूख लगी है। उसके बाद कल अब हमें निकलना भी है यहीं से डायरेक्ट, ये जो पुल है ना इसी से डायरेक्ट हमें जो है वो कल या तो चमोली तक या जोशीमठ तक ही हमें टैक्सी या फिर बस मिल जाएगी। तो चलो आप कुछ खाते हैं फिर, वरना मैं तो जान ही निकल। कुछ खाने के लिए भी सच में सुबह से क्या कल से कुछ नहीं खाया सही से, तो इसीलिए जो है वो हमने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है।
बाकी इनके प्राइस सही है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं खाने के लिए, बजट में भी चल जाएगा खाना। और लाइक यहाँ पे आपको फास्ट फूड और नॉन वेज वेज सब कुछ मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ 10 बजे तक मार्केट खुली रहती है, आप आराम से खा पी सकते हो इत्मीनान से। और जो है वो हमारे एक बावर्ची रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और भी यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हो आराम से खा सकते हो। तो आप वेट कर रहे हैं अपने खाने का, आ जाए यार जल्दी से खा लें, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो हमने मोमोज ऑर्डर किया था और 4 मोमोज आया है इतने बड़े साइज का, हाफ जो है वो 35 का। तो हमें कम ही खाना था मोमोज, अब देखते हैं ये टेस्ट में कैसा है। भाई साहब डर लग रहा है, फीलिंग बहुत कम है। फीलिंग कम है और मिर्चा बहुत ज्यादा। टेस्ट अच्छा है, दोनों सब्जी का टेस्ट अच्छा है। ओके यार मोमोज में तो बहुत ही ज्यादा मिर्चा था मतलब, और इसमें भी पता नहीं क्यों हमको इतना मिर्चा लग रहा है। पानी चाहिए अंकल जी, तुम्हें पानी पीना है, पी लिया। तो यार खाना कंप्लीट हो गया है और जो खाने का टेस्ट था वो सच में अच्छा था, क्योंकि अगर आप स्पेशल थाली यहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो स्पेशल थाली में आपका आराम से पेट भर जाएगा। और अंकल जो मोमोज की चटनी थी बहुत ही ज़्यादा उसमें मिर्चा था, मगर ये था कि मिर्चा तो रहता ही है चटनी में। बाकी जो है वो अंकल से मिलिए, ये क्या नाम है इसका, बावर्ची। और यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ऑप्शन है, मगर जो बावर्ची रेस्टोरेंट में जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि स्पेशली हम जल्दी सब्जी नहीं खाते हैं, मगर खाया उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जो भी यहाँ का जो प्राइस है वो भी एवरेज ही है, सही है, मतलब हर जगह जैसे रहता है वैसे ही है। तो खाना पानी हो गया है और सच में इतने अच्छे वो अंकल थे, लाइक उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हेल्पफुल था एकदम, इसलिए मैं उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छा रहते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा रहता है। तो अब जो है खाना खा लिया और टेस्ट भी अच्छा था वहाँ का, बहुत अच्छा था। फिर अब यहीं पर आ गए हैं जहाँ पर हम थे, और मेरे पीछे पहले देख लो एकदम, मतलब कितनी स्पीड से पानी जा रहा है ये, क्योंकि बारिश हो रही है ना ऊपर साइड पे, तो पानी बहुत स्पीड में है देखो। तो अब मेरा दूसरा दिन कवर हो चुका है, अब हमें कल निकलना है जोशीमठ के लिए। तो अब हम चलते हैं, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि हम सच में थक गए हैं, अब सोते हैं फिलहाल से। और फिर कल जो है वो अब हमें कितने बजे तक, आई थिंक 5 बजे तक उठ जाएंगे हम, फिर निकलते हैं अपनी थर्ड दिन की जर्नी, और फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कवर करना है सब चीज़ें। तो चलो जब तक के लिए बाय।